प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी द्वारा सिलेबस कम होने के बावजूद भी हमारा रिजल्ट सही नहीं निकाला गया। डेढ़ महीने के प्रदर्शन के बाद जब विद्यार्थी यहाँ आते हैं तो वाइस चांसलर कहते हैं हमारी अथॉरिटी नहीं है, हम कोई भी वो कदम नहीं उठाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के मुताबिक ना हो या जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अगेंस्ट हो। अब जब 14 तारीख की जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए यूजीसी की गाइडलाइन कहती है कि उन विद्यार्थियों का रिजल्ट वन टाइम एक्सेप्शन के साथ अपडेट किया जाए तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने अभी तक इस पर चुप्पी साधी है तो क्यों साधी है? क्या यूजीसी के अंडर फॉल करने वाली जम्मू यूनिवर्सिटी जब 126 कॉलेजेस के विद्यार्थियों के लिए निसंदेह बिना किसी प्रोटेस्ट की नोटिफिकेशन निकाल सकती है तो क्या क्लस्टर यूनिवर्सिटी अपने 5 कॉलेजेस एफिलिएटेड वालों के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती कि विद्यार्थियों का साल बर्बाद ना हो? क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अधिकारी क्या यूजीसी की गाइडलाइन के परे हैं? क्या यूजीसी की गाइडलाइन तक मानने के अधिकार जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को नहीं है? यदि ये सब बातें हैं तो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और किसी ऐसे अधिकारी को कुर्सी में बिठाना चाहिए जो विद्यार्थियों के हक में और विद्यार्थियों की शायद पक्षपात ना करते हुए जो सेम नोटिफिकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए आई है वही सेम नोटिफिकेशन क्लस्टर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए भी निकालनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यमों से ही हमारी मांग रहेगी कि जो नोटिफिकेशन सेम यूजीसी की गाइडलाइन के तहत जम्मू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए आई है वही सेम नोटिफिकेशन क्लस्टर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए भी आए। धन्यवाद।